हरिहरपुर थाना अंतर्गत अमलखोरी के नजदीक विस्फोटक भरा एक पिकअप वैन बरामद किया गया। लगभग 4 टन विस्फोटक लदा हुआ है, जिसे आसनसोल से बिहार के शेखपुरा ले जाया जा रहा था, मगर मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक कंपाउंड के अंदर था, इसलिए संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच बागमारा DSP मनोज कुमार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कल बड़ी नक्सली वारदात होने के बाद सूबे में प्रशासन के कान खड़े हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। हालांकि मामले का पटाक्षेप होना अभी बाकी है, जांच के बाद ही सही बात की जा सकती है। क्या कुछ है अमलखोरी GT रोड NS2 में दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में से तकरीबन 150 मीटर अंदर अमलखोरी के पास GT रोड छोड़ के 150 मीटर एक चारदीवारी से गिरा हुआ आता है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव वैन को पाया गया और साथ में एक ट्रक यही था भी, तो उसको लेके थोड़ा सा ये चूंकि माल वर्धमान से शेखपुरा जा रही है और बाद में सुबह में एक पेपर भी दिखाया गया बोला कि वैध पेपर है, तो इस चूंकि GT रोड छोड़ के अंदर था इसीलिए हम लोग इस संदिग्धता को लेके जो है इसकी जांच की जा रही है और अगर वैध होगा तो कंपाउंड में भी देखा गया। हाँ, कंपाउंड से ही लाया गया अंदर, दरअसल तो थोड़ा संदेह अंदर में जो पेटी है उनमें क्या स्थिति? एक पेटी खुली हुई है, बाकी पेटियाँ सील है, मतलब प्रॉपर जैसे ताला वगैरह भी जो होता है बाहर का वो भी सील पैक नहीं है, तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए जाँच चल रही है अभी, चाहे जाँच करने के बाद अगर वैध होगा।